जूनागढ़ जिलानुं मीठापुर गाम भारत सरकारनुं सौथी मोटामां मोटुं अने एकमात्र मगफळी संशोधन केन्द्र तरीकेनुं प्रस्थापित थयुं छे। त्यारे एक आदेश गाम एटले मेदरडा तालुकानुं मीठापुर गामने कडेवलप करवा कृषिलक्षी कार्यक्रमनी शरूआतमां उद्घाटन समारंभ योजायो हतो। दिल्लीथी आवेली खास टीमो खेडूतो साथे संवाद हतो, जेमां गामना दरेक खेडूतोने माहिती अने पूरतुं मार्गदर्शन पूरुं पाडवामां आव्युं हतुं, जेमां बियारण जमीनमां वावेतर तेमज उत्पादनथी लई मगफळी वेचाण सुधी मूल्यवर्धन सुधी खेडूतोने माहितगार कराया हता। मीठापोर मगफळी संशोधन केन्द्रोए ध्याती औद्योगिक दरजो मळे अने गामनी मगफळी सर्टिफाइड बियारण तेमज अन्य गामना खेडूतो लेवा आवे तेवा आशयथी आ कार्यक्रम योजायो हतो, जेमां बहोळी संख्यामां खेडूतो अने कृषिना अधिकारीओ पण जोडाया हता। स्थान पर आया था जो हमारा जूनागढ़ में स्थित संस्थान है, मूंगफली संशोधन केंद्र। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जो ये लोग अपने कार्यकलाप करते हैं संशोधन के प्रति, तो क्यों ना हम किसी गांव में उनका प्रदर्शन करें, किसानों के बीच में उनको आश्वासन मिले कि हमारी जो भी संशोधन के कार्य हैं उससे मूंगफली की खेती बढ़ सकती है। दो चीज़ें हमें बहुत प्रभावित की जो हमारे संशोधन केंद्र ने की हैं। दो प्रजातियां ऐसी निकाली हैं जिनमें कि ओलिक एसिड की मात्रा ज़्यादा है तेल में, और जब ओलिक एसिड की मात्रा तेल में ज़्यादा होती है तो उससे तेल में दो चीज़ें को फ़ायदा होता है। अगर उस तेल को हम खाते हैं तो उसमें हमें हार्ट की जितनी डिजीज़ हैं, दिल से संबंधित जितनी बीमारियां हैं, उनमें कमी होती है। और दूसरा, तेल बहुत दिन तक आप रख सकते हैं, तेल की गुणवत्ता ख़राब नहीं होती। तो हमने सोचा क्यों ना इन दो प्रजातियों को एक ऐसे गांव को अपना लें जिसमें ये प्रजातियां वहाँ पर रहें, इनकी जो उत्पादन करने की पद्धति है जो अधिक से अधिक पैदावार दे सकती है, क्यों ना हम इनका प्रदर्शन करें, किसान इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं। तो पूरे मीठापुर गांव में इन प्रजातियों को हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे कि इन गाँव में जो भी किसान भाई हैं वो खाली उत्पादन ही ज़्यादा ना करें, उसका अच्छा बीज कैसे प्राप्त बना लें, उस बीज को बनाकर किस तरीके से बीज का व्यापार करें। तीसरी चीज़ हम जो इसमें लाना चाहते हैं कि जो ये तेल है, जो उत्पाद है, उसको हम किस तरीके से उसकी गुणवत्ता को और बढ़ाएं जिससे कि बाज़ार में उसका मूल्य बढ़े, और इससे संबंधित जितने भी व्यवसाय हैं उनको कैसे बढ़ावा हो। तो इन सभी कार्यक्रमों को हम लेके इस गाँव में आए हैं और इस गाँव को हमने अपनाया हुआ है। आदर्श मूँगफली गाँव बनाएंगे, मीठापुर गाँव और गाँव के लिए आदर्श बनेगा, और गाँव के लोग मीठापुर गांव से जुड़कर अपनी खेती को और बढ़ावा देंगे, और मेरे इस विचार से मूंगफली का जो विस्तार है वो बहुत अच्छा होगा। मेंदड़ा तालुकाना मीठापुर गाम में आज जूनागढ़ मगफळी संशोधन केन्द्र द्वारा अने दिल्ली थी आवेल गुप्ता साहेब द्वारा एक कार्यक्रम राखवामां आवेल, जेमां मगफळी संशोधन ना उपक्रमे आदर्श गाम तरीके मीठापुर ने पसंद करवामां आवेल, त्यारे मगफळी સારામાં સારું ઉત્પાદન મળે અને મગફળી ઓછા ખર્ચે તૈયાર થાય, તેમજ વિશ્વ લેવલે મગફળીનું તેલ અને બ્રાન્ડથી કઈ રીતે વેચાય એ માટે એ તકે ખેડૂતોને ખૂબ જ માર્ગદર્શન આપવામાં આવેલ હતું, ત્યારે ગામ લોકોએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ અને ખૂબ જ માહિતી મેળવી છે। અને આજે આજનો કાર્યક્રમ થયો છે મગફળી સંશોધન કેન્દ્ર બાબત, અને આ મીઠાપુર ગામને જે દત્તક લીધેલ છે તે બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર। આનાથી ખેડૂતોનો ઘણો વિકાસ થશે અને નવું મગફળીનું બિયારણ નાતે મળી શકશે।